सोलंकी पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सोमवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं दो नाबालिग आरोपियों को कस्टडी में लिया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने बताया कि मामले में SIT का गठन कर दिया गया है। फिलहाल टीम आरोपियों का रिकॉर्ड सर्च कर रही है जिसके बाद उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। आज जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें गंभीरता को देखते हुए एक विशेष दल का गठन किया गया है जो विवेचना के संबंध में जो साक्ष्य संकलन करना है, साथ ही चालान जो पुटअप करने के लिए और स्पीडी ट्रायल के लिए पूरा मॉनिटरिंग के लिए जो दल गठित किया गया है। चूँकि अपराध को चिन्हित में भी रखा गया है श्रेणी में, तो उसका जो ट्रायल है वो भी स्पीडी गति से हो और इसमें विवेचना के संबंध में साक्ष्य संकलन का स्तर भी अच्छा रहे तथा जो सुरक्षा प्रदान की जानी है